ये ग्रास हॉपर की एक किस्म है जो कि ग्रो की शक्ल में होती है और इसका जो ग्रुप होता है उसको हम स्वाम कहते हैं। तो इसके एक किलोमीटर स्वाम के अंदर जो है तकरीबन 4 करोड़ के करीब जो है इंसेक्ट होते हैं, ये लोकस्ट होते हैं। टिड्डी दल जो है ये अगर इसकी तारीख देखी जाए तो ये काफ़ी अरसे से जो है दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में जो है नुकसान करता रहा है, लेकिन एफ ए की रिपोर्ट के मुताबिक जो 1928 में इसका सबसे बड़ा हमला जो था जो अफ्रीकी मुल्क माले और नाइजर में रिपोर्ट हुआ था, लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में 1952 में सबसे बड़ा इसका हमला जो है रिपोर्ट हुआ था। फिर उसके बाद 1962 में एक बड़ा हमला जो था रिपोर्ट हुआ था, फिर 1992 में, और फिर अब ये 2019 के एंड पे या 2020 के स्टार्ट में जो बड़ा हमला जो हमारी इस नस्ल नस्ल ने देखा है ये पाकिस्तान में चौथा बड़ा हमला टिड्डी दल का था। तो टिड्डी दल जो है ये एक ऐसा कीड़ा है जो हर किस्म के सब्ज़े, हर किस्म की फसल, हर किस्म के दरख्त के ऊपर जो है फीड कर सकता है। अच्छा, ये बताइएगा हमें कि हमें पता चला कि रिसर्च यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इसकी जो अद्वियात हैं, केमिकल हैं जिसके साथ टिड्डी दल का मुकाबला किया जा सकता है, यहाँ पर अगर आपने कोई इसके सैंपल्स रखे हैं कोई टिड्डी दल के और उनके अंडों के तो वो भी हमें काइंडली दिखाइएगा। और ये बताइएगा कि ये टिड्डी दल जो है ये केमिकल्स के अलावा किसी चीज़ से रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, जनवरी के अंदर जो है हमने पंजाब के थल के एरिया में विज़िट किया था, वहाँ से हमने डेजर्ट सॉयल से जो है इसकी अंडों की कलेक्शन की थी। ये देखें जी, ये ज़मीन से इसके हासिल किए हुए अंडों के जो है एग पॉड्स हैं। तो इसकी मादा जो है अपने एब्डोमेन के आखिरी हिस्से को जो है ज़मीन में दाखिल करके जो है अंडे देती है। नाजरीन, ये थी टड्डी दल की तफसीलात। अब हम जो है फील्ड में जाके वो डो बेल भी देखेंगे जो सोलर बेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाई है। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर आमिर रसूल साहब मौजूद हैं, वो भी इस टड्डी दल के जो है वो फोकल पर्सन हैं। उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे कि टड्डी दल की तारीख क्या थी, ये कब यहाँ पर परवान चढ़ा, कब इसकी जो है वो नुकसान सामने आना शुरू हुए, हुकूमत की सतह पर कौन से इकदाम किए गए। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि टड्डी दल जो है वो एक दफ़ा यहाँ पर इस तरह का अटैक शदीद, इससे पहले हमने अपनी होश में तब नहीं देखा, इस तरह का अटैक आप क्या समझते हैं कि किस तरह की कहर साली ले कर आएगा, हुकूमत की सतह पर किस तरह के इकदाम की ज़रूरत पड़ेगी हमें? ये बहुत अग्रेसिव अटैक था इसका, और इसको हम समझते हैं कि ये एक आबो हवा में जो तब्दीली, मौसम में आती तब्दीली जो कहते हैं, वो इसका बहुत बड़ा जो है बायस, उसी वजह से ये कीड़ा जो है कीड़े बिहेवियर चेंज करते हैं। और ये वहाँ पे अफ्रीका में बारिशें हुई, वहाँ से ये वाया यमन, उमान और ईरान के रास्ते पाकिस्तान में आता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एरिया चोलिस्तान का, ये एक एन रूट है, आखिरी इलाका है जहाँ से ये अपना वापसी का सफ़र शुरू करता है। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि ये डब्बे में भी टड्डी दल ही मुझे नज़र आ रहे हैं, ये एक ही किस्म के टड्डी दल इसमें रखे गए हैं या मुख्तलिफ अनवा गए हैं? जो डेजर्ट लोकस्ट है ना, जिसको हम सहराई टड्डी दल कहते हैं, ये वही किस्म है, एक ही किस्म है, ठीक है, जिसपे, लेकिन इसमें चूँकि ये सेल है, इसमें हम और भी टड्डी दल का करते हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सहराई टड्डी दल का ये शदीद हमला हुआ था, उसी हवाले से फिर हमने जो स्टार्ट किया, एक तो ये मैंने इंसेक्टिसाइड का बताया, दूसरा जो यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है, हमने, हमारे वाइस चांसलर साहब का बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि चूँकि एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स बहुत हैं, सिर्फ फाइटोकेमिकल्स पे काम किया जाए। ये जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स जो हैं हमने एक्सट्रैक्ट निकाले हैं, इनको हमने फिर इनके डोजेज़ को हमने 2-3 दफ़ा लैब में टेस्ट किया, फिर ये बाहर आपको हम दिखाते हैं कि हमने सेमी फील्ड फॉर्म कंडीशन में इसको किया, फिर इवन हमने लकी मरवत और ईसा खेल में एरिया में जाके, इंक्लूडिंग वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और पेस्ट वार्निंग के स्टाफ के साथ फील्ड में भी ट्रायल किया। अब हम चलते हैं आगे, एक हमारे साहब डॉक्टर जुल्नूरैन साहब मौजूद हैं जो इसके फोकल पर्सन भी हैं और इस टीम के मेंबर भी हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले ये बताएं कि एक माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें ये टड्डी दल नज़र आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं इसका और ये केमिकल किस चीज़ का है? हम लोग एक्चुअली फाइटोकेमिकल्स को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं लोकस्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ये सेराई लोकस्ट है जी। तो इसके लिए हर वक्त जो है इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने से लोकस्ट के अंदर कुव्वत मुदाफियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके हल के लिए हम लोग जो हैं इसमें फाइटोकेमिकल चेक कर रहे हैं। ये जो आप फाइटोकेमिकल नज़र आ रहे हैं ये टोबैको से एक्सट्रैक्ट किया गया है जी। हम लोगों की कोशिश ये है कि हम कोई ऐसा फाइटोकेमिकल ढूंढ सकें जो कम कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो लोकस्ट को आसानी से कंट्रोल कर सकें। सही। तो
ये जो माइक्रोस्कोप में है हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे पहले। हमारे यहाँ पर सिर्फ सेराई लोकस्ट ही पाया जाता है अभी फ़िलहाल तक, तो हम लोग उसके मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करके उसका फाइटोकेमिकल का इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने जाना डॉक्टर सगीर साहब से, डॉक्टर रामर रसूल साहब से और ज़ुल्नूरैन साहब, जो पूरी टीम जो टड्डी दल के हवाले से काम कर रही है और फसलों के जो डैमेजेस हैं उनसे बचा रही है हमें, और पूरी तरीके से यहाँ पर जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी लैब की रिसर्च है, जितनी भी फील्ड की रिसर्च है वो जारी है। अब हम चलेंगे एक और कीड़े की जानब जो हमारी फसलों को, हर तरह के अजनास को जो है वो डैमेज कर रहा है, उसका नाम है फाल। फाल जो कीड़ा है वो भी इसी तरह फसलों को डैमेज कर रहा है जिस तरह टड्डी दल डैमेज कर रही है। उसके बारे में भी डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये कीड़ा कौन सा है, कहाँ से आया है, कैसे परवान चढ़ रहा है हमारे मुल्क में, इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं। तो डॉक्टर साहब के हमराह चलते हैं फाल कीड़ा जो है उसकी तरफ और जानते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। नाज़रीन, आर्मी वॉर्म जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है उसकी एक एडवांस स्पीशीज जो है वो एक यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी फसलों को डैमेजेस कर रही है। इस वक्त हम एग्रीकल्चर की ही एक रिसर्च लैब में मौजूद हैं, यहाँ पर फोकल पर्सन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुल्नूरैन साहब हैं जो इस सारे प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं और इसके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे। ज़ुल्नूरैन साहब, ये बताइएगा कि ये लार्वा किस तरह इसका बनता है, ये स्पीशीज कहाँ से आई है, कब परवान चढ़ी पाकिस्तान के अंदर, इसकी तारीख क्या है? जी, ये फाल आर्मी वर्म जो है इसकी तारीख तो वैसे बहुत पुरानी है कि ये अमेरिका में मौजूद था, उसके बाद ये अफ्रीका में आया, उसके बाद चाइना और इंडिया के अंदर। ठीक है, इस तरह से होता हुआ हमें पहले भी रिपोर्ट जो है फार्मर से रिसीव हो रही थी, तो हम लोगों ने यूएफ की एक टीम थी जिसमें चार मेंबर थे, डॉक्टर सगीर साहब, डॉक्टर आमिर रसूल, डॉक्टर ज़ुल्नूरैन, डॉक्टर सुहेल अहमद साहब। तो हम लोग फील्ड में गए हैं, हम लोगों ने वहाँ से ये सारे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। आप इस पे देख सकते हैं कि कहीं पर चिन्योट जो है, कहीं पर चक 38 वगैरह जो है वो लिखा हुआ आपको मिलेगा। अच्छा, ये वो सैंपल हैं जो आपने मुख्तलिफ एरिया से कलेक्ट किए हैं? जी, और उनके ऊपर उस एरिया का नाम लिखा गया है। जी, ये हम लोगों ने खुद इसको कलेक्ट किया है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें फाल आर्मी वर्म का तकरीबन चौथा जो है वो बलूगत की स्टेज मौजूद है। अच्छा, और ये जो आगे आपने शीशियाँ रखी हुई हैं इसके अंदर भी वो सारा लार्वा है। मुझे ये साइज़ जो है, तकरीबन तमाम लार्वे की साइज़ जो है मुख्तलिफ हैं, इनकी क्या वजह, क्या ये इनको स्टेप वाइज जिस तरह इनकी ग्रोथ होती है ये उस सीक्वेंस के साथ रखे गए हैं? जी, हम इसको जो है स्टार कहते हैं। इसमें टोटल एक लार्वा जो है वो 6 अपनी ब्लूगत की स्टेजेस को क्रॉस करता है। ठीक है, तो पहले स्टेज के ऊपर जो है आप ये देख सकते हैं, इसमें ये छोटा सा लार्वा जो है तकरीबन ये दो दिन का जो है लार्वा वो मौजूद है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये सेकेंड स्टार है, ये तकरीबन 4-5 दिन का जो है ये लार्वा इसमें मौजूद है। इसी तरह से ये तीसरा, चौथा और पांचवा, जो ज़्यादा डैमेज वाली स्टेज है वो आप देख सकते हैं कि चौथा और पांचवा जो स्टार है फसल को ज़्यादा डैमेज कर, जी, जो मकई को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था, जिसकी किसान जो है कंप्लेंट कर रहे थे, वो यही स्टेज थी। उसके बाद ये छठे से गुजर गए, प्यूपे में जो है तब्दील हो जाता है। ये इसकी अगली स्टेज है उसमें, ये इसकी जो है ये रेस्टिंग स्टेज है, इसके ऊपर ये कोई डैमेज काज नहीं करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर ये जो है बालिक स्टेज के ऊपर आ जाता है। ये हमने उसके मुख्तलिफ सैंपल फैसलाबाद डिवीजन से भी कलेक्ट किए हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वो सैंपल तो हमने देख लिए जो आपने मुख्तलिफ एरिया से कलेक्ट किए हैं, लार्वे की पोजीशंस भी देख ली कि वो पहले दिन में, दूसरे दिन से लेके सातवें आठवें दिन तक किस तरह का नज़र आता है और किस तरह वो डैमेज करता है, इस बारे में हमें बताइएगा कि ये शीशे के कंटेनर के अंदर ये जो आपने रखी हुई है चारा है या फसल है, ये क्या है और इसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? जी, ये मकई के जो हम लोग सैंपल बाहर फील्ड से कलेक्ट करके लाए थे, आप देखते हैं रेडिंग ऑफ द फाल आर्मी वर्म। जैसे ही हमें किसानों ने इसके बारे में आगाह किया है, हम लोगों ने इस पे काम शुरू कर दिया था, तो ये इसकी रेडिंग की कॉलोनी है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर डैमेज जो है वो बहुत वाजे है। ये आपको कीड़ा नज़र आ रहा होगा इधर, ये इसकी तकरीबन पांचवी स्टेज जो है वो ख़त्म हो रही है, ये इस टाइम रेस्टिंग स्टेज पर जा रहा है। और ये जो आपको सारा फ्रास्ट नज़र आ रहा है ये इसी का खाया हुआ मटेरियल है और ये इसके हमले की पहचान है। मकई पे हमला इसका कई मुल्कों में इतना शदीद हुआ था कि उन्होंने वहाँ पर मकई फार्मर्स ने उगाना ख़त्म कर दिया। तो हमें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फार्मर, पाकिस्तान के फार्मर कल को जो है वो मकई या मेज़ जो है उसको काश्त करना ख़त्म ना कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ हमें जो फील्ड में आपकी रिसर्च है, आउटडोर रिसर्च है, हम वो भी देखना चाहेंगे किस तरह आपकी रिसर्च चल रही है, तो काइंडली हमें उस तरफ भी ले जाइए। नाज़रीन, ये थी रिसर्च लैब जहाँ पर ये लार्वा बन रहा है, जहाँ पर इसकी पूरी तहकीक की जा रही है कि किस तरह ये लार्वा यहाँ पर आया, किस तरह ये परवान चढ़ा, किस तरह किसानों को मसाइल का सामना नज़र आया और यहाँ पर
मुकम्मल रिसर्च जो है वो हमने देख ली है। इसके साथ हम अब फील्ड में जाके देखेंगे कि किस तरह ये फसलें डैमेज हो रही हैं और किस पोजीशन में ये फसलें नज़र आती हैं। हम लोग फील्ड में जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर तमाम वो फसलें लगाई गई हैं जिनको आर्मी वर्म जो है वो डैमेज करता है। किस तरह डैमेज करता है और इसका सोल्यूशन क्या है वो जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। डॉक्टर अमर सूल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो हमें इसकी मज़ीद तफसील बताएँगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, मेरे सामने यहाँ पर दो तरह के पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो पौधा ये है जिसको डेफिनेटली आर्मी वर्म ने ही डैमेज किया, और एक पौधा ये है जिस जो बिल्कुल ठीक है। तो इनमें ये फ़र्क क्यों है, और ये बताइएगा कि ये किस तरह इसकी यहाँ पर जो है वो टेक्निक क्या है इसकी, किस तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है और किस तरह इस पर। चूँकि जैसे हमने लैब में हमारी बात हुई है कि ये चूँकि अभी शनाख्त इसकी लास्ट ईयर भी थोड़े से चुकू को शुबात थे, इस साल इसको वेरीफाई किया गया है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने किया है, अजहर यूनिवर्सिटी ने किया है, करके हमने इसको फील्ड सर्वे करके सारा मतलब गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है। अभी ये आप जो देख रहे हैं इसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये मेज़ की रिसर्च है इधर चल रही, तो इसमें जो है ये बायर मोनसेंटो का हमारा एक स्टेशन भी इधर यूनिवर्सिटी के साथ जॉइंट इसके चलता रहता है हमारे वेंचर, और ये इसमें ये आप देखें ये हेल्दी प्लांट है जी, इसको बिल्कुल इसमें डैमेज नहीं है, उसका कोई सुराख, उसके फीडिंग बिहेवियर कुछ नहीं नज़र आ रहा। अगर आप आगे आएँगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये इसका डैमेज कंट्रोल छोड़ा गया है। इसमें ये आप देखें डिफरेंट डैमेजेज हैं, बल्कि इसमें अगर आप ये देखें तो इसको मैं आपको सुंडी निकाल के ना इसकी जो लार्वी है जी 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 वो दिखा सकता हूँ कि ये देखें ये उसका ना मतलब एग्जैक्टली ये इसका देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि सुंडी किस तरह इस पौधे को अंदर से जाकर खाती है, उसके वर्ल में चली जाती है। किसानों के लिए दर्द सर बना हुआ है। डॉक्टर साहब हमें ये इसके फीसिस है, ये खा खा के जैसे वो केज होते नहीं हमारे अर्थवर्म्स, वो जैसे वो उसके ये इसके जो है फीसिस है, और ये जो सुंडी है ये इसके ऊपर जो आपको वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन शायद हम नहीं बता सके कि ये अगर आप देखें तो ये आपको इसके चार स्पॉट नज़र आएंगे टैक्सोनॉमिक अगर करेक्टर देखें तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये चार नियरली इन जैसे स्क्वायर फॉर्म ठीक है। फिर इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर ये अगर बहुत छोटे छोटे स्पॉट जो हैं वो होते हैं। एक इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसकी जो सुंडी का ये बिल्कुल अब मैच्योर है, ये देखिए आप इसके जो हेड है इसके ऊपर एक वाई शेप का जो है वो निशान होता है, ये जो इसके हेड पे अगर देखेंगे ना तो बड़ा क्लियर वाई शेप है ठीक है, आपको नज़र आएगा ये वाई पूरा ऐसे ना कैटेगराइज किया हुआ। ये इसकी जो टैक्सोनॉमिक है, अगर इसके डैमेज को आप देखें तो डैमेज में अगर ये देखें ये सुंडियाँ आपको मिलती जाएंगी ठीक है। ये सारा इसका जो एरिया है ये कंट्रोल हम छोड़ा हुआ है जिस पे जो है अभी इस पे इधर दवाई स्प्रे हुई हुई है और इधर स्प्रे नहीं हुई, और ये अगर इसका आपने अर्ली अटैक देखना है कि कहीं किसी फील्ड में अगर मौजूद रहा है अब नहीं है तो उसको हम इस तरह ये देख सकते हैं, वो इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि ये इसमें एक विंडोइंग इफ़ेक्ट कहते हैं, ये जो डैमेज है ना इसको हम विंडोइंग इफेक्ट कहते हैं ठीक है। विजिबल हो रही है चीज़, ये आपको ये ऊपर से ऊपर से ये इसलिए होता है कि जब अर्ली स्टेज पे लार्वी डैमेज करता है तो वो इसकी ऊपर वाली तह में स्क्रैचिंग करता है, सुपरफिशियल फीडिंग करता है ऊपर ऊपर ठीक है। सब्ज मादा खा गया और ये एक विंडो सी आपको नज़र आ रही है, जैसे विंडो में हम आर पार देख सकते हैं तो उस तरह का ये इफेक्ट है। ये इसका जो है डैमेज है फील्ड में, बड़ी टिपिकल एक एग्जाम आपको दिखाई गई है कि ये डैमेज बताइएगा कि ये फसल जो डैमेज है इस पर क्या आप लोगों ने खुद कीड़ा छोड़ा है ये, या ये ऑलरेडी लगा हुआ और इसको आपने केमिकल के जरिए या स्प्रे के जरिए ऐसा हुआ कि ये केमिकली ट्रीटेड है, ये इसको जानबूझ के छोड़ा गया है फॉर देखें कि ये कितना डैमेज करता है एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंटल तौर पे। नाज़रीन ये था आज का टड्डी दल और आर्मी वर्म जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ये वो सुंडी है जो किसानों के लिए आज के दौर में जो है वो दर्द सर बनी हुई है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समेत गवर्नमेंट जो अदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी बलबूते पर अपने फंडिंग से अपने बजट से यहाँ पर काफ़ी रिसर्च कर रही है और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो है फील्ड के अंदर जो रिसर्च लैब्स इनकी बनी हुई हैं उनके अंदर ये सारा काम चल रहा है और रिसर्च जो है वो जारी है। फिर किसी और टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।